रविवार तड़के मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर बाहर हुई फायरिंग के तार अब हरियाणा से जुड़ गए हैं। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दो शूटरों की सीसीटीवी सामने आई है। ये फुटेज बांद्रा स्टेशन के पास से मिली है। इस सीसीटीवी में दोनों बदमाशों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। एक हमलावर काली और सफेद टी शर्ट में और दूसरा लाल टी शर्ट में नजर आ रहा है। दो लोगों में से एक आरोपी गुरुग्राम का रहने वाला है, जिसका नाम विशाल उर्फ कालू है। कौन है कालू उर्फ विशाल? कालू उर्फ विशाल गुरुग्राम का रहने वाला है। उसने 10वीं तक की पढ़ाई की है और उसके खिलाफ 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें फायरिंग और बाइक चोरी के केस शामिल हैं। कुछ दिनों पहले विशाल ने रोहतक में लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर एक बुकी का कत्ल किया था। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात में वो गोली चलाता दिखाई दिया था। विशाल राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदरा का शूटर है। रोहित गोदरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। सलमान खान के घर से जुड़े मामले का तार हरियाणा से शूटरों से जुड़ने के बाद हरियाणा पुलिस भी अब एक्टिव हो गई है। घटना के बाद सलमान खान के घर के बाहर मौके पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंची है और हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। ये भी बता दें कि मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। इसी सुरक्षा घेरे में सलमान खान के साथ 11 जवान हर समय साथ रहते हैं। इसमें एक या दो कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। सलमान की गाड़ी के आगे और पीछे एस्कॉर्ट करने के लिए 2 गाड़ियां हमेशा रहती हैं। इसके साथ साथ सलमान की गाड़ी भी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।